सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था लेक्चर 3B के अंदर कि आपको 10 सवाल होमवर्क दे रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो अब आ गया हमारा लेक्चर 3C पार्ट, राइट, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ध्यान देंगे सब। तो यहां पर हिंट्स तो मैंने आपको दे दिए थे, अब सॉल्यूशन की बारी आ रही है बच्चों। तो सवाल है पहला, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कि x को पुट करना है कोसेक थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। थीटा आ जाएगा बच्चों कोसेक इनवर्स x, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि बन जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉट थीटा बन गया। 1 अपॉन कॉट थीटा बच्चों टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बच्चों आ गया थीटा, और थीटा होता है हमारा यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स। काफी आसान सवाल था, आई होप काफी लोगों का सही हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरह की फॉर्म में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोसेक से डिवाइड करते हैं, तो cosx माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, तो कॉस बाय कॉस बन जाएगा बच्चों 1, साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस 10। यहां पर हल्की सी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, 1 की जगह 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स। ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। सॉल्व करके आएगा बच्चों ये 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहां से बच्चों 10 इनवर्स से 10 उड़ा देंगे, ये मानते हुए कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। आंसर आएगा हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। अगला सवाल आ गया बच्चों हमारा ये, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहां पर बच्चों हम ना चाहते हुए भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos square theta by 2, 2 से 2 उड़ गया, tan inverse tan x by 2। आंसर बहुत इजीली प्राप्त हो गया यहां पर बच्चों x by 2, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, काफी आसान सवाल है ये, सीबीएसई लेवल का वीडियो हमारी चल रही है अभी। क्वेश्चन नंबर 4th, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जहां पर भी 2x square minus 1 दिख जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ x को cos थीटा पुट करते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, ये बन जाता है 2 cos square theta minus 1, और ये बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos उड़ाते ही 2 थीटा, और बच्चों ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। बेहद 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 आसान, राइट। ये आपको समझ आ गया है 3x माइनस 4x क्यूब, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस टाइप का 11th क्लास का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि x को साइन थीटा पुट करते ही सवाल खत्म हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, लेट x इक्वल टू बच्चो साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट साइन इनवर्स x। ये आ गया बच्चो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस, मानो या ना मानो, 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन उड़ा दो 3 थीटा, थीटा की जगह बच्चों फिर से साइन इनवर्स x। ठीक है, जो मैं बच्चों ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हैं कि जी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब की जगह हम 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हैं एक तरीके से। और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, बिलो पॉवर्टी लाइन कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 सर्टेनली कॉस थीटा।
ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ बच्चों कॉस थ्री थीटा, ये आ जाएगा थ्री थीटा, और माने या ना मानो थीटा कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही आसान सवाल है। पांचवा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन भी कर लिया, एक बार सेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों हम। सातवां क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर मैंने एक्स को साइन थीटा और बच्चों रूट एक्स को साइन फाई एज्यूम कर लिया। यहां से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और यहां से फाई हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन फाई अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस फाई, कुछ गड़बड़ करी हमने ना, ठीक है, कॉस थीटा साइन फाई, बिल्कुल सही। साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बच्चों आ गया हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन इनवर्स से साइन उड़ाते ही बच्चों लिखा थीटा प्लस फाइ, थीटा है हमारा साइन इनवर्स एक्स और फाइ है हमारा बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट में कोई जाना पहचाना एक्सप्रेशन दिखता है तो आप उसे पहचानो, और मुझे तो दिख गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप एक्स को ए साइन थीटा पुट कर लो, सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये बन गया बच्चों टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया बच्चों टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ये आ गया बच्चों टेन इनवर्स टेन थीटा, और ये आ गया बच्चों थीटा, और थीटा है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। राइट, तो बेसिकली बच्चों हमें बस ये पहला स्टेप क्लिक करना चाहिए और उसके बाद बेसिक इलेवेंथ की ट्रिगो आनी चाहिए, अपने आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। एक करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद बेसिक साइन कॉस का नॉलेज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इनफैक्ट हम हर सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। टेन ऑफ 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से मैंने आपको सिखाया था कि आप x को तो ले लीजिए tan थीटा, और यहां पर भी tan थीटा लेना है, बट थीटा नहीं ले सकते इसलिए y की जगह बच्चों लिया tan phi। ये आ गया tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर phi डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर phi। राइट, ठीक है, ये फॉर्मूले बच्चों क्या होते हैं, साइन इनवर्स में अगर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, नीचे अगर प्लस की जगह माइनस होता तो फॉर्मूला होता tan 2 थीटा का। 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाय 1 प्लस tan स्क्वायर phi भी बच्चों फॉर्मूला होता है cos 2 phi का। और ये बात क्लियर हो गई है यहां पर कि साइन इनवर्स से साइन उड़ते ही 2 थीटा और cos इनवर्स से cos उड़ते ही 2 phi, और 2 से 2 गायब करते ही बच्चों आ गया आंसर tan ऑफ थीटा प्लस फाई। बट हमें तो आंसर x और y में देना है,
तो टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अगली स्टेप में ध्यान देंगे आप, टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, टेन थीटा एक्स है प्लस वाई डिवाइडेड बाय बच्चों वन माइनस एक्स वाई, राइट। काफ़ी आसान सवाल था बच्चों ये भी, नाइन्थ क्वेश्चन भी, एक बार आप नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों, अब 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने आपको और आपने देखा कि मुश्किल से 10-12 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो बहुत ज्यादा काम नहीं दिया मैंने आपको। आप प्लीज इस लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाइए और पढ़िए, और मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चे जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे थे वो तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मुझे अपना होमवर्क कर करके व्हाट्सएप करें, मैं होमवर्क चेक करके डाउट्स बताऊंगा। और इनकेस आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कहीं और पढ़ रहे थे ऑफलाइन बट उनके टीचर्स ऐसी क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी डिफरेंट ऐप पे कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ 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 बच्चों ये अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो भेजो। इस 15 दिन 20 दिन या जितने भी दिन का ये लॉकडाउन पीरियड है, इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ सबको मिले, राइट। जितना मेरे से मैक्सिमम पॉसिबल हो रहा है मैं उतनी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। 1 + x² की जगह बच्चों x को हमने tan थीटा लिया, थीटा आ गया हमारा tan इनवर्स x, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan²θ - 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ठीक है भैया। 1 + tan²θ होता है sec²θ, रूट से स्क्वायर कैंसिल, डिवाइडेड बाय बच्चों tan थीटा, ये आ गया बेटा tan इनवर्स 1 cos θ - 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। LCM LCM खेलते हैं बच्चों यहाँ पर अब हम, तो ये आएगा बच्चों हमारा tan इनवर्स 1 cos θ डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये एक्सप्रेशन में हमेशा और हमेशा बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूले लगेंगे। 1 cos θ का फॉर्मूला होता है 2 sin²θ/2, sin थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म बच्चों, बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan गायब, आ गया थीटा बाय 2, थीटा हमारा है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, राइट बच्चों। तो ये थे हमारी लेक्चर नंबर 3C बच्चों, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर के जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ नए फॉर्मूले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के कुछ नए फॉर्मूले लेके आऊंगा और उन पे आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा, राइट बच्चों। तब तक आप इसे नोट करिए।